नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा फ्लो चार्ज हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आगे बात समझ में। जैसे कि देखिए, अगर हमारा हवा चले वो एयर की वजह से तो क्या हो जाएगा? हम एयर करंट कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। वाटर चले, वाटर फ्लो होता है तो वाटर की वजह से हम क्या कहते हैं? विंड करंट कहते हैं। एयर फ्लो होने वजह से क्या कहते हैं? एयर करंट कहते हैं। उसी तरह से चार्ज के फ्लो होने को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टाइम टी। यानी कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से, मान लो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया हमने, मान लीजिए कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है, और इसमें जो है क्या है? चार्जेज हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में। इसका मान लीजिए किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यहाँ पे ले लीजिए टी टाइम पे, है ना, वन सेकेंड में टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं? क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा करंट कहलाता है। आगे बात समझ में कि अगर टी टाइम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वही क्या कहलाता है? हमारा करंट कहलाता है। क्लियर? और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी को किसके इक्वल होता है? द करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन वन सेकेंड। वही जो हमने बताया कि वन सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वही उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा? उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है वन कूलाम। इफ वन कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर फॉर वन सेकेंड द करंट इज प्रोड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू वन एम्पियर। मतलब क्या होगा कि अगर, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वन कूलाम नहीं, ये वन एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। कि एक सेकंड में अगर वन कूलाम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जो उस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा वो क्या कहलाएगा? वन एम्पियर कहलाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा एसआई यूनिट ऑफ करंट। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो यूनिट में यूज करते हो क्या है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो वन मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10^-3 एम्पियर, और वन माइक्रो एम्पियर, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो का साइन है, ठीक है। तो वन माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10^-6 एम्पियर होता है, ठीक। और एक डिवाइस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। यही वो डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं, ठीक। इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। यह कैसा डिवाइस होता है? लो रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर कैसा था? हाईली रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस था। लेकिन एमीटर कैसा होता है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, ऑलवेज, हमेशा। इसे कब से कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडक्टर है, इसके साथ यहाँ पे सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया है एमीटर को। आगे बात समझ में।